मैं हूं माजिद अली, तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आप एक हकीकत आपको बताना चाह रहा हूं, छोटे और बड़े भाई की, क्योंकि इस नाम से कोई कंपनी है जो लोगों को ब्लैकमेल कर रही है। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, पहले वो देखते हैं, इधर देखो। तो ये आपने देखा होगा, इसको गौर से देखो कि छोटे और बड़े भाई का जमजम इलेक्ट्रिक का नाम यूज़ करके ये लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। क्योंकि मैंने वो बोलेंगे आपसे मैसेंजर पर मैसेज, वो खुद लिंक भेजेंगे अपनी व्हाट्सएप की, तो वो बोलेंगे आपसे वॉइस में, तो आपका गिफ्ट आया है और बॉक्स नंबर 8, वो बोलेंगे आपको व्हाट्सएप में जाके आप लोग उसको कॉल करो, तो अपना नंबर बताओ, अपना नाम बताओ और लोकेशन सेंड करो। जब अपनी लोकेशन आप लोग सेंड करोगे तो आपका जो गिफ्ट बॉक्स है उनका नंबर क्या है, तो 8, वो बोलेंगे 8 नंबर है। तो व्हाट्सएप पे जो आपको बंदा बोलेगा आपका गिफ्ट नंबर कौन सा है, तो आप लोग हम बताना 8 नंबर। तो यार ये फ्रॉड कर रहे हैं, छोटे और बड़े भाई का नाम बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि वो अच्छे बंदे इज्जत वाले, उनका नाम बदनाम करके ये सोशल मीडिया पे चला रहे हैं उनका नाम यूज़ करके। क्योंकि जो ये बॉक्स मेरे पास इन लोगों ने भेजा है जमजम वाले छोटे भाई बड़े भाई जो खुद हैं, उस बॉक्स में मेरा नाम नहीं है, ठीक है। जो अभी ये दूसरा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इसमें देखो मेरा नाम कहाँ से आ गया, ये सोचने की बात है ना। तो जमजम वालों के पास, छोटे बड़े भाई के पास जो बॉक्स है उसमें नंबर तो सेम है 8, मगर उस पर मेरा नाम नहीं है भाई। जो दूसरा लोगों ने मेरे पास बॉक्स दूसरी तस्वीर भेजी है मेरे पास, तो उस पर मेरा नाम है, तो माजिद अली देख सकते हो उसमें नाम है, क्योंकि उनका वो नाम मैंने उसको शेयर किया था व्हाट्सएप पर। तो वो नाम पता नहीं कंप्यूटर के ज़रिए मोबाइल के ज़रिए वहाँ पर फिट करके उसने बोला भाई वेट करो, तो वेट करने के बाद उसने ये भेजा मेरे पास। तो मैंने देखा यार, सच में मैंने सोचा सच में, मगर मैंने उनसे थोड़ा इंटरव्यू लिया, वो आपको मैं बताता हूँ अभी। तो मैंने उन लोगों से ये इंटरव्यू किया, उसने उन लोगों ने ये मुझे बोला आपने ये चैलेंज कंप्लीट किया है जमजम वालों की तरफ से, तो हमने गिफ्ट दिया है आप लोगों ने, आपने फॉलो किया है और कमेंट किया है। मैंने तो इन लोगों को कमेंट भी नहीं किया है, फॉलो भी नहीं किया है, और मैंने कोई भी चैलेंज इनका कंप्लीट नहीं किया। पहली बात तो ये सोचने की बात। दूसरी बात आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने उन लोगों से बोला आप सऊदी अरब में रहते हो, क्योंकि हमें भी 6 साल मेरे वो हो गए हैं सऊदी अरब में, थोड़ा तो हम भी जानकारी रखते हैं इधर की। तो मैंने उन लोगों से बोला आप कहाँ, उन्होंने बोला एयरपोर्ट सऊदी एयरपोर्ट। तो उसकी रिचार्ज अब डिलीवरी रिचार्ज बोल रहे हैं, वो फ्री है पर कस्टम इसकी बोलते हैं कस्टम की, एयरपोर्ट कस्टम की। तो वो 230 रियाल आप एसटीसी कार्ड से पे करो, जहाँ हम अकाउंट भेजें उसमें पे करो, तो आपको डिलीवरी हम रिसीव कर देंगे। तो दूसरी बात ये है, तो मैंने उन लोगों से बोला मैं खुद आपके पास आता हूँ, और अपने एगामी वाला जो पर्सनल नंबर है तो उससे आप लोग बात करो, क्योंकि ये कंपनी के नंबर से हमें तो एतबार नहीं है, ये बात है। और दूसरी बात, उनसे मैंने जब ये सवाल जवाब किया तो उसने बोला क्या, तो एक भी उसने जवाब नहीं दिया, नंबर बंद कर दिया। तो ये नंबर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पहले ये नंबर देखो, तो जहन में लगा लो ये नंबर, ये नंबर आपके पास भी यही नंबर आएगा, दूसरा नहीं आएगा। दूसरी बात, मैंने उन लोगों से ये बात की कि वो आपने किस कितने बंदों को आप लोग गिफ्ट दे चुके हो, तो उन लोगों ने बोला तकरीबन 600-700 लोगों को हमने गिफ्ट सऊदी अरब में दे चुके हैं, अच्छी बात है। तो मेरा गिफ्ट उसने बोला आप अपने पैसे पे करो 230 रियाल, तो कल आपको इंशाल्लाह पहुँचा दें। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मतलब था, जो मेरे भाई हैं तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा, जिनको नहीं पता वो मैं जो मेरा वीडियो देख रहा है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इन लोगों से फ्रॉडियों से बचो, क्योंकि हमारे भाई जो काम को जिनको नहीं पता है तो वो उनका शायद शिकार हो जाते हैं, तो इनसे बचो पहली बात। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि ज़्यादा लोग देखें उनको पता चले इन फ्रॉडियों का। तो वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि मुझे यही छोटा मैसेज आप लोगों को पहुँचाना था, यही मकसद था वीडियो बनाने का। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना, आपकी क्या राय इन लोगों के लिए तो कमेंट में ज़रूर बताना।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।